जेंट स्पीड ब्रेकर। घमंडीपुर नाम का एक गांव था। नाम के अनुकूल उस गांव के सारे लोग घमंडी थे। वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। उसी गांव में एक साइंटिस्ट रहता था। उसका नाम था धूमकेतु। वो हमेशा कोई ना कोई नई खोज या आविष्कार करने में ही व्यस्त रहता था। उसके घर के सामने से सारी गाड़ियां काफी तेजी से गुजरती थीं, ऊपर से जोर से हॉर्न बजाते हुए जाते थे। इसके वजह से धूमकेतु अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। कई बार तो उसके घर के सामने दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती थीं, और जब दोनों ड्राइवर उतरकर लड़ते रहते थे तब वहां पर भीड़ जमा हो जाती और लोग उन दोनों को उकसाते रहते थे। उस भीड़ और शोर के कारण धूमकेतु अपना नोट्स लिख नहीं पाता था और उसे चिढ़ होती रहती थी। एक बार धूमकेतु के घर के बाहर एक ऑटो बाइक से टकराई। दोनों गुस्से में लड़ रहे थे। भीड़ वहां जमा हो गई और लोग ताली बजाने लगे। उस शोर को बर्दाश्त ना करते हुए धूमकेतु गुस्से में बाहर आया। क्यों बच्चू, एक तो तुम रॉन्ग साइड से आए, ऊपर से मेरे साथ लड़ाई करते हो, कहकर उसे थप्पड़ मारा। अरे ऑटो चलाने वाले निकम्मे, अब तुम अचानक दाईं ओर मुड़ोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझ पर हाथ उठाते हो, कहकर उसने भी उसे एक थप्पड़ मारा। यूं दोनों बहुत जोर से लड़ने लगे तो भीड़ में से एक व्यक्ति, ये हुई ना बात, मारो साले को और मारो चार। अरे बाइक वाले भैया, तुम चुप नहीं बैठना, मारो इसको। अरे तुम भी उछल उछल कर मारो। ये हुई ना बात, कहकर उन दोनों को उकसाने लगे। यूं वे दोनों खूब लड़ने लगे। धूमकेतु ने आकर उन दोनों को छुड़ाया। अरे रुको, अरे बंद करो ये लड़ाई। यूं तुम हर रोज बाइक को तेज चलाकर क्यों ले जाते हो बेटे, मैं हर रोज तुम्हें देखता रहता हूँ, ये गलत है ना, गांव के अंदर 30 किलोमीटर से ज्यादा तेजी से नहीं चलाना चाहिए, क्या तुम ये नहीं जानते। बिल्कुल सही कहा सर, पूछिए और पूछिए इसे, तभी अकल आएगी इसे, बाप की कमाई पर आवारा गर्दी करता रहता है ये। अरे तुम मुंह बंद रखो, यूं बोल रहे हो जैसे तुम दूध के धुले हो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ऑटो का साइलेंसर नहीं है, कितने महीनों से घूम रहे हो ऐसे, तुम्हारे वजह से कितना साउंड पोल्यूशन हो रहा है तुम जानते भी हो, पूछने पर कहते हो कि रिपेयर के लिए पैसे नहीं है, ये गलत है ना। अरे साइंटिस्ट जी, ये क्या, हम इस तमाशे को मजे से देख रहे थे और आप है कि सीरियल के बीच में एड की तरह आकर मजा का किरकिरा कर दिया। अरे आप अपने घर के अंदर जाइए। हाँ सर, आप उन्हें छोड़ दीजिए, ऐसे लाइव शो देखने का मजा ही कुछ और है सर। अरे तुम दोनों रुक क्यों गए, लड़ो शुरू हो जाओ। अरे कैसे लोग हो तुम सब, अरे दोनों की लड़ाई रोकने के बजाय उन्हें और उकसाते हो, वैसे भी इस गांव में कोई भी नियमों का पालन नहीं करता, अरे कोई यहाँ एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार मोहब्बत से नहीं रहता, जब देखो लड़ाई झगड़ा बस। अरे सब जानते हैं कि गांव में तेजी से गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, कोई उसका पालन करता भी है। अरे साइंटिस्ट जी, ज्यादा बोल रहे हो आप, अगर आप अपनी इज्जत को बचाना चाहते हो तो चुपचाप घर के अंदर चले जाइए, हमें राय देने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको स्पीड पसंद नहीं है तो अपने घर के सामने स्पीड ब्रेकर लगा दो, किसने रोका है। ये सुनकर सब खिल्ली उड़ाने लगे। तब धूमकेतु अपमानित महसूस करने लगा, उसे गुस्सा भी आया। घर जाकर उसने कलेक्टर को फोन लगाया। अरे साहब, आप तो जानते ही, आपके गांव के बारे में हर कोई अपने आप को टॉप समझता है। अरे मैं तो क्या, स्वयं भगवान भी इन्हें समझाए तो ये नहीं समझने वाले, मेरी बात मानिए सर, आप इस मामले में ना पड़िए। तब धूमकेतु ने एमएलए को फोन लगाया। अरे साइंटिस्ट साहब, आप तो राजनीति को जानते ही हैं, यथा राजा तथा प्रजा वाली कहावत अब काम नहीं करती साहब, अब तो जैसी प्रजा वैसा राजा वाली कहावत चलती है साहब, आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड है ये, अब तो वही अच्छा नायक है जो लोगों के कहे अनुसार चले, चाहे वो सही हो या गलत, बस चुपचाप फॉलो करना चाहिए, अगर आज मैंने इन्हें मशवरा दिया तो कल ये मुझे वोट नहीं देंगे, अब मुझे माफ कर दो साइंटिस्ट साहब। ये सुनकर धूमकेतु को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, लोहे को लोहे से ही मारना होगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। फिर उसने अपने घर के बाहर एक जॉइंट स्पीड ब्रेकर बनवाया। जब वो रिमोट दबाता
तो स्पीड ब्रेकर ऊपर उठता और जब वो फिर दबाता तो स्पीड ब्रेकर जमीन में धस जाती, ऐसा उसने तैयार किया। तभी एक बाइक वाला तेजी से आ रहा था, धूमकेतु ने रिमोट दबाया, जेंट स्पीड ब्रेकर जमीन से ऊपर उभरा, बाइक वाला उससे टकराया और उछल कर नीचे गिरा। धूमकेतु ने फिर से रिमोट दबाया तो वो स्पीड ब्रेकर जमीन में धस गया। बाइक वाला ने उठकर देखा कि सड़क तो सामान्य है, तो उसके समझ में कुछ नहीं आया और वो अपने बाल नोचने लगा। यूं उस स्पीड ब्रेकर के साथ टकराते हुए ऑटो, कार, बस, ट्रक सब उछल कर गिरने लगे। तब से लोग उस सड़क पर अपने वाहनों को धीरे से चलाने लगे। एक दिन एमएलए और कलेक्टर दोनों एक ही गाड़ी में कहीं जा रहे थे, ऐसे ही वो उस सड़क पर आए, स्पीड ब्रेकर ऊपर उभरा, उनका कार स्पीड ब्रेकर से टकरा कर लोटियां खाने लगी। एमएलए और कलेक्टर लंगड़ाते हुए गुस्से में धूमकेतु के पास आए। What nonsense is this? आपको अपने घर के बाहर स्पीड ब्रेकर बनाने का परमिशन किसने दिया? और ये ऑटोमेटिक स्पीड ब्रेकर क्या है? हाय रे, अरे कमर टूट गई, ये सब क्या है धूमकेतु जी? आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आपको ये स्पीड ब्रेकर बनाने का परमिशन दिया किसने? अरे गांव की समस्या बताई तो आप लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन जब तकलीफ आपको हुई तब आपको सारे रूल्स याद आ गए। एक अधिकारी होने के नाते और नेता होने के नाते आप दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को सही रास्ते पर ले जाएं। ये यदा प्रजा तथा राजा वाली बात नहीं चलेगी, यदा राजा तथा प्रजा ही सही है। यानी अगर आप सही तरीके से शासन करें तब लोग भी ठीक रहेंगे, ये बात आप जान लीजिए। तब दोनों ने शर्म के मारे सिर झुका लिया। मैजिकल मनी वॉल। मिजोली के गांव में एक पुराना हवेली रहता था। उस हवेली के अंदर भूत रहते हैं कहकर कोई भी उस तरफ नहीं जाते थे। उस हवेली का मालिक का नाम था सोनू वाला। वो बहुत लालची और बेईमान आदमी था। उस हवेली को कैसे बेचना है और किसको बेचना है समझ में नहीं आकर सर पकड़ कर बैठ गया था। एक बार एक घर का ब्रोकर आकर, हुजूर आपके हवेली में भूत प्रेत है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन खरीदने के लिए पूछे तो लोग डर के मारे भाग जा रहे हैं जी। अब अमेरिका से एक आदमी आपका हवेली को खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखा रहा है। वो आदमी इधर आने से पहले आपका हवेली को अच्छे से रंग लगवा कर, अच्छे से सफाई करा कर उनको दिखा कर बेच देंगे। आप जल्दी से काम शुरू कीजिए हुजूर, कहकर उधर से चला गया। अरे उसको पेंटिंग और रिपेयर के लिए तो बहुत खर्चा हो जाएगा, किसी ना किसी बकरा को पकड़ कर बिना खर्चा किया काम करवाना है, ऐसे सोचा। अगले दिन एक मेस्त्री उनके परिवार के साथ सोनू वाला के पास आया था। उनका नाम राजैया था। मालिक, मैं बगल वाले गांव में रहने वाला मेस्त्री हूँ, मेरा नाम राजैया है। आपका हवेली का मरम्मत के लिए आप एक मेस्त्री के लिए ढूंढ रहे कहकर सुना था। हम पूरे परिवार वाले उधर ही रहकर मरम्मत करेंगे। मेरे बेटी की शादी के लिए थोड़ा पैसों की जरूरत है, 1,00,000 रुपए देते हैं तो बोलिए, पुराना हवेली को एकदम नया हवेली जैसा बदल देता हूँ। और इतना कम दाम में तो और कोई नहीं कर सकता है मालिक, चाहिए तो आप किसी और से जानकर देख लीजिए। अरे ये कोई बकरा तो बिना ढूंढे ही मिल गया है, ऐसे मन में सोचकर, 1,00,000 क्या, चाहिए तो 4,00,000 देता हूँ, पूरा मटेरियल को तुमको ही खरीदना पड़ेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा समझो, लेकिन काम खत्म होने के बाद ही पैसे देता हूँ, सहमत है तो बोलो। तो पहले मेरे पैसे खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है आप तो बड़े आदमी हो और वचन भी निभाने वाले हो, कल से ही काम शुरू करता हूँ मालिक। ये क्या हो गया आपको, 4,00,000 खर्चा करके उस पुरानी हवेली को रिपेयर करने वाले हो? कल वो खरीदने वाला आकर मुझे पसंद नहीं आया कहकर चला गया तो आपको नुकसान हो जाएगा ना। पगले, 4,00,000 तो वो राजैया खर्चा करेगा, मैं नहीं। कल काम होने के बाद जैसे धरती सूरज के चारों ओर घूमता रहता है ऐसा रामैया भी मेरे पीछे चक्कर लगाना पड़ेगा उसको, बेचारा शेर के पंजे में आकर गिरा। अगले दिन राजैया उस हवेली के दीवार पर चिनाई से मारा तो उसके अंदर से ढेर सारे रुपये, जेवरात और हीरे गिरने लगे। वो देखकर सब हैरान हो गए थे। राजैया फिर से मारा तो और भी गिरने लगे।
अरे वाह, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। ये सारे पैसे और जेवरात लेकर कहीं दूर जाकर सेटल हो जाएंगे जी, और हमारी बेटी की शादी धूमधाम से मनाएंगे। तुम बहुत गलत सोच रही हो लक्ष्मी, ये घर हमारा नहीं है और इसमें जो भी मिलता है वो हमारा नहीं है। ये सब सोनू वाला जी को ही मिलना चाहिए। जो चीज हमारा नहीं होता है उसके ऊपर हम आशा नहीं करना चाहिए। ऐसे में पैसे, हीरे और जेवरात को एक थैली में बांध कर सोनू वाला के घर गया और सोनू वाला के सामने उसे खोलकर नीचे डाला तो उसमें से ढेर सारे पैसे, हीरे और जेवरात गिर पड़े। वो देखकर सोनू वाला हैरान हो गया था। तब राजा या सोनू वाला को जो हुआ सब बताया। ये बात तो हमें पहले से ही पता था, तुम ईमानदार आदमी हो कि नहीं कहकर मैं एक छोटा सा टेस्ट किया। अरे तुम तो जीत गए, जाओ जाकर हर रोज क्या क्या मिलता है सब लेकर आओ, ठीक है? राजा या जाने के बाद सोनू वाला धीरे से उनका पीछा किया। हवेली में राजा या चिनाई से दीवार पर मारा तो फिर से ढेर सारे पैसे जेवरात गिरने लगे। वो देखकर सोनू वाला हैरान हो गया था। अरे ये तो गजब की बात है, तो इस घर में भूत प्रेत कुछ भी नहीं है, ये तो सोने का हवेली है और रुपया देने वाली चमेली है। अगर इसे रिपेयर करवाएंगे तो इसका सारा शक्ति खत्म हो जाएगा। शायद इस घर को किसी को भी नहीं बेचना है और इस राजैया से भी छुटकारा पाना है, सोचा। अगले दिन राजैया को जो पैसे और सोना मिला था वो सब कुछ सोनू वाले के पास लेकर आया और उन्हें दे दिया। राजैया अभी मेरा मन बदल गया है, उस घर को कुछ मरम्मत की जरूरी नहीं है, अब तुम जा सकते हो। ये क्या है मालिक, अभी ऐसे कह रहे हो? ठीक है, आपकी हवेली आपकी मर्जी, लेकिन मैं सीमेंट और रेत के लिए तो बहुत खर्चा किया, उन पैसों के साथ अगर आप कुछ दे सकते हैं तो मैं खुशी से चला जाऊंगा मालिक। क्या देना है तुझे? काम होने के बाद ही पैसा देता हूँ कहकर हमारा बीच में समझौती हुआ ना? काम बीच में रुक गया तो बीच में मैं क्या कर सकता हूँ? वो सीमेंट और रेत को कहीं और जाकर बेच लो, नहीं तो कुछ बनाओ, ये सब मुझे मालूम नहीं है भाई। मालिक ऐसा बात मत करो, आपको बहुत सारे पैसे मिले हैं ना, मेरी बेटी का शादी के लिए जो बचा था वो सब कुछ मैंने खर्चा कर दिया, आप थोड़े पैसे देंगे तो मैं चला जाता हूँ, आपका हाथ जोड़ता हूँ। तब सोनू वाला राजैया को पैर से मारा तो वो नीचे गिर गया। क्यों बे, एक बार बोला तो समझ में नहीं आता है क्या? जाओ दरिंदर कहीं के, और एक पल इधर रहा तो तुझे मारकर तंदूरी बना दूंगा, खबरदार। तब राजैया दुखी होकर उधर से चला गया। अगले दिन सोनू वाला उस हवेली में जाकर, अरे मेरा नसीब तो बदल गया है, जितना खोदा उतना पैसा और सोना, अरे वाह, अब इस दुनिया में मैं सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूँ, सोचा। बाद में वो चिनाई लेकर एक दीवार पर मारा लेकिन कुछ भी नहीं निकला। ऐसे कितने बार भी मारा तो कुछ भी नहीं निकल रहा था। इतने में दो भूत उधर प्रत्यक्ष हुए, उनको देखकर सोनू वाला डर गया। वे दोनों भूत सोनू वाला को पकड़कर खूब पीटे। अरे भूत, अयो भूत, मुझे मत मारिए, आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, कहकर चिल्लाने लगा। क्यों रे कमीने, ये सारा सोना हमारा है, वो राजा या बहुत मुश्किल में है कहकर उन्हें दिया, लेकिन वो ईमानदारी से तुमको लाकर दे दिया, बदले में तुम लालचपन से उसे धोखा दिए, तुमको जितना भी मिला वो पूरा सोना ले जाकर उनको देकर माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारा खून मेरा बॉयफ्रेंड ड्राकुला पिएगा। अगले दिन सोनू वाला सब सोना और पैसे राजैया को दिया और प्रणाम करके माफी मांगा। ऐसे राजैया एक बड़ा सा बंगला बनाकर उनकी बेटी का शादी धूमधाम से मनाया।